बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। आज दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत बड़े बीमारी के बारे में बात करूंगा, जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो मैं अपने तजर्बे में लाया। वो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम बातें आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। तो आज एक मर्ज़ है जिसके लिए दुनिया बड़ी परेशान होती है, जिसको लग जाए वो कहते हैं जी इसका तो इलाज ही कोई नहीं है। एच पैलरी नमी मर्ज़ है, जिसे ये कहते हैं कि जी कोई इलाज नहीं है इसका। तो इसका जो इलाज है वो मैं आज बता रहा हूँ, उसका इलाज बहुत मुजरब है और मैंने जिसको भी दिया पूरी दुनिया में, जो दोस्त थे जिनको ये एच पैलरी का मर्ज़ था, जो ठीक नहीं हो रहा था और डॉक्टरों के दवाइयों पर दवाइयाँ वो खा रहे थे, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। तो आज मैं आपको इसको मर्ज को दूर करने की जो तरकीब है वो बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों करना ये है कि आपने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेना है और उसमें पुदीना 30 ग्राम जो है लेना है, उसके साथ 5 अदद काली मिर्चें आपको ज़रूरत होंगी और 5 ग्राम ताज़ा अदरक इसमें आपको चाहिए होगा और 50 ग्राम दही चाहिए होगा। इसमें सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो ये ऊपर वाली तीनों चीज़ें हैं, टमाटर, पुदीना और काली मिर्च, इनको आप पीस के यकजा कर लेंगे, रगड़ के यकजा कर लेंगे और आखिर में इन सबको दही में, 50 ग्राम दही में डाल सकते हैं और हसबे जायका थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये जो चटनी है ये सुबह व शाम आपने खानी है अपना रोटी के साथ, और इसको मामूल रखें एक हफ़्ता। तो एक हफ़्ता में इंशाल्लाह आपका मैदे के बहुत सारे मसाइल, जिसमें भूख का ना लगना, ग़िज़ा का हज़म ना होना और मिजाज में चिड़चिड़ापन होना, ये सारी बातें इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत मुजरब इलाज है और इस इलाज के जो मौजद हैं वो जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान के जो अजीम हकीम हो गुज़रे हैं, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये असल में उनकी तहकीक है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये तहकीक मैंने देखी है, मैंने आजमाई है और ये बहुत कामयाब है। तो ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इसमें 100% मरीज़ ठीक हो जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, उस प्रॉब्लम से भी निकल जाता है जिसमें वो बड़े अरसे से मुबतला था। दूसरी दोस्तों, मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ आपके साथ आज शेयर करूँगा अपने इस चैनल के हवाले से, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। हकीकत में जैसे कहते हैं कि आपकी आँख से जो चीज़ ओझल हो वो बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलती, तो मैं आज आपको एक इंतहाई ताकतवर टॉनिक और बताने लगा हूँ। ये हर उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ा आसान सा टॉनिक है और दोस्तों इस लोग को, इस चीज़ को आप बनाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट आएगा। आपने करना ये है दोस्तों, जब भी अच्छे किस्म के सेब लें, उन सेब को आप छील लें, उनके जो छिलके हैं, असल में ये जो छिलके हैं ये बहुत कामयाब चीज़ है। इसको आप किचन में रख के सूखने रखने, किचन के अंदर साए के नीचे, धूप में नहीं डालना इनको। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं और हाथ से ये टूटने लग जाएं, जैसे खुश्क पत्ते होते हैं इस तरह हो जाएँ, तो इन छिलकों को आप किसी एयर टाइट जार में रख लें। अच्छा, अब जब भी आपने एक दिन बाद इस जार में से आधा चम्मच ये छिलके लेने हैं खुश्क सेब के खुश्क छिलके, और इसमें आपने एक अदद इसमें लौंग डाल दें और बाकी इसमें आप 2 कप पानी डालें और इसको हल्की आंच पे उबालें। जब ये आधा पानी रह जाए, मतलब 1 कप बाकी रह जाए, तो इसे आप उतार लें, छान लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें जायके के लिए, वैसे भी पी सकते हैं। तो ये जो है कावा, ये आप हर 2 दिन बाद पीते रहें, इसके बड़े दूरस्थ नतायज होंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर, इसके साथ आपको एक नई एनर्जी और नई ताकत मिलेगी। वो लोग जो दफ्तरों में काम कर कर के थक जाते हैं और कहते हैं हमारे पट्ठों में खिंचाव है और दर्द है, हमें अब जो है बेचैनी सी रहती है रात को, तो ये जो कावा इस्तेमाल करेंगे इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनके इन तमाम जितनी भी अलामत वो समझते हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। और ये एक बहुत ताकतवर है नुस्खा। मैं इसका दोबारा बता देता हूँ कि सेब के छिलके लेके उसको आपने साए के अंदर रख के खुश करना है। सेब अच्छे वाले हों, गोल्डन सेब हों, उसके छिलके उतार के साए में रख के खुश करें, धूप में मत रखिएगा।
धूप में रखने से ये वो प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि सिर्फ इसका 30% रिजल्ट बाकी रह जाएगा। अगर आप इसको किचन में रख के और इसको आप कर लें वो, तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत आला किस्म की आपकी एक हर्बल टी तैयार हो जाएगी। तो इस दोस्तों इसको औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, खसूसन वो ख़वातीन जो घरों के काम काज में रहती हैं, वो थक जाती हैं, उनके पट्ठों में दर्द होने लग जाता है और वो एक्टिव भी नहीं रहती, फिर उनका काम करने को दिल नहीं चाहता। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन ये कावा ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि इसमें एक लौंग डाल के और आधा चम्मच इसका सफूफ डाल के उबालें अच्छी तरह और उसके बाद गुड़ डाल के आप पी लें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा ताकत हासिल होती है। ये दोनों नुस्खे दोस्तों मेरे आजमूदा हैं, इनको आप जब भी दिल करे जहाँ मर्ज़ी आजमाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा और इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।